चीन के बीच में 15 जून को हिंसक झड़प हुई जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मारा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चीन इस बात को स्वीकारता नहीं है, ये सच है। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या बताने से इनकार कर दिया, कहा कि ऐसा करने से तनाव भड़क सकता है। खैर, दुनिया को तो चीन ये पट्टी पढ़ाकर शांत कर सकता है, लेकिन अपने ही देश की जनता को इस खूनी संघर्ष में जो चोट पहुंची है, जिन परिवारों ने अपने बच्चे को खो दिया है, उनको आवाज उठाने से उनके आंसुओं को कैसे रोक पाएगी शी जिनपिंग सरकार। माना जा रहा है कि अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भारतीय सेना के साथ झड़प में मारे गए सैनिकों के परिवारों को शांत करने में जुट गई है। मारे गए चीनी सैनिकों के परिवार इस बात से नाराज दिखे थे कि जिस तरह से भारत में शहीदों को सम्मान मिला, वैसे सम्मान चीन में क्यों नहीं मिला। हालांकि इस पर कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु जिन ने लिखा है, सेना में सर्वोच्च सम्मान के साथ मृतकों के साथ व्यवहार किया गया। ये जानकारी आखिर सही समय पर ही समाज को दी जाएगी ताकि नायकों को सम्मानित किया जा सके और उन्हें याद किया जा सके। ग्लोबल टाइम्स ने कम ही सही लेकिन संघर्ष में मारे गए 20 से कम चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात लिखी है, लेकिन जिनपिंग सरकार ने इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। हु ने पीएलए अधिकारियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि चीन की सुरक्षा और चीन की शांति उन पर निर्भर करती है। अब तक चीनी सेना ने मृतकों के बारे में कोई सूचना जारी नहीं की है। पूर्व सैनिक और फिलहाल मीडिया पेशेवर के तौर पर मैं समझता हूं कि ये दोनों देश में, विशेष रूप से भारत में, जनता की राय को उत्तेजित नहीं करने के उद्देश्य से एक आवश्यक कदम है। फिर लद्दाख के मुद्दे पर हु ने अपनी ताकत की प्रदर्शनी करते हुए लिखा कि पीएलए ने भारतीय पक्ष को एक सबक सिखाया है जिसने हमेशा चीनी लोगों के दृढ़ संकल्प पर अपनी गलत राय बनाई है। हु ने लिखा, पीएलए ने न केवल स्थिति को नियंत्रण में लाने की अपनी क्षमता दिखाई है बल्कि जमीन पर भारतीय सेना पर मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्राप्त किया है। उसके बाद हु ने भारत को भी धमकी दी है, लिखा है, पीएलए के साथ खिलवाड़ मत करो, ये उन लोगों के लिए हमारी कड़ी चेतावनी है जो चीन के प्रमुख हितों को चुनौती देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बदलाव का लाभ उठाना चाहते हैं। हु के मुताबिक सीमा पर घुसपैठियों को कड़ी टक्कर देने के लिए चीन ने सीमा पर एक मजबूत तैनाती की है। तैनाती का उद्देश्य बताया है ज्यादा संघर्षों की घटना से बचना। वाकई चीनी आर्मी संघर्ष से बचना चाहती है, हमें तो लगता है कि चीनी सेना जानबूझकर संघर्ष में कूदना चाहती है। तभी तो भारत की जमीन कब्जाने की फिराक में है, तभी तो भारत की तरफ आंखें गड़ाए बैठी है, लेकिन भारत चीन को बड़े से बड़ा जवाब देने में सक्षम है, ये चीन को जान लेना चाहिए। भारत पर, भारतीय सेना पर किसी ग्लोबल टाइम्स के संपादक की गीदड़ भक्कियों का कोई असर नहीं होने वाला है।